नमस्कार, सिर्री बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। बाल समंदर जेल के अंदर बैठा हुआ है। बालों समेत जेल में बैठना कैसा लगता है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ है आधुनिक दादा साहब फालके, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। सिर्फ गुरमीत यहाँ है और बाकी के लोग बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो गुरमीत, ये बताओ कि वो सुसाइड वाला ब्लू व्हेल गेम खेले हो? काहे डर लगता है क्या? किसी से कोई डर नहीं लगता सिवाय भगवान के, मालिक किसी कोई डर नहीं लगता। फिर क्या जान का खतरा है? हमें किसी से कोई खतरा नहीं। खतरे से याद आया कि जेल में काम क्या करते हो भाई, यहाँ तो उसका जुगाड़ भी नहीं है। जो मुख्य कार्य है, जितनी भी तरह के नशे हैं वो छुड़वाना, मांसाहार से रोकना और वैश्यावृत्ति को रोकना। यहाँ सुसु वाली कोठरी में कितनी देर सो पाते हो? 4 घंटे हम सो पाते हैं। 4 घंटे तो बहुत है यार, इतनी देर में तुम्हारी फिल्मों के सपने भी आ जाते होंगे। आज कौन सा सपना देखा? एक पोस्टर था और जिसके ऊपर बिल्कुल अश्लील तस्वीरें थी लड़का लड़की की, और उसका गला काट के लड़की का हमारा पेस्ट किया हुआ था। ये तो टुच्चा सा है यार, कुछ अच्छा सा सपना बताओ। हमारे पे अटैक हुआ RDX 2KG का, और तब से उसके बाद फिर 2-3 अटैक और हुए तलवारें लेके, राइफलों से। अच्छा, पुलिस जब तुमको अरेस्ट करने आई तो अकेले वहाँ चूहे की तरह छिपे हुए थे कि और लोग भी थे? कम से कम 4 लाख लोग थे अंदर। अंदर तो तुम हो, वो सब तो बाहर हैं। इतना बड़ा कमरा था वो? वो ऐसी जगह नहीं है कि वो टाइट है और एक कमरा और उसमें ये ऐसा कुछ नहीं। वो शरेआम बहुत बड़ा मैदान और हमारा एक कमरा है जो अभी चेक किया है पुलिस ने कि हाँ भाई ये तो एक मंदिर की तरह कमरा है। कमरा तो हम देखे हैं वीडियो में। ये बताओ, सेना वेना भी है क्या तुम्हारे पास कच्चे सुखाने के लिए? हमारी निजी सेना नहीं है, मेनली जितने भी कमांडो हैं वो तो सरकार ने दे रखे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साथ रहते हैं। ये सब गंदी संदी आदतें कैसे पड़ गईं? तुम्हारे नेचर में कुछ अच्छा है ही नहीं। असल में हम 23 साल तक जब रहे गांव में, तो कभी भी किसी पुलिस के पास जाना या ऐसा कभी हमारा हुआ ही नहीं, ना हमारे कभी नेचर में ऐसी कोई चीज थी। और पूरे शरीर में इतने सारे बाल हैं तुम्हारे, नहाने में पानी का बिल तो बहुत आता होगा ना? हमने फाड़ दी थी और हमने कभी शुरू से ही ऐसा कभी सोचा ही नहीं। एक पर्सनल सवाल पूछूं? अच्छा, लास्ट में एक बढ़िया डायलॉग सुनाओ जिसको सुनके पब्लिक पागल होकर हंसते हंसते गिर पड़े। डायलॉग जो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और जो हमने रियल में बोला है कि कोई हमें भगवान कहता है, कोई हमें फरिश्ता कहता है, कोई हमें गुरु कहता है, पर हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। इंसान तो हो गुरु तुम, लेकिन बहुत टुच्चे। तो ये हैं गुरमीत, बाकी के राम रहीम सिंह इंसान सब बाहर बैठे हुए हैं। सिर्फ बात में आज के लिए बस इतना ही।